वैसे तो गुजरात चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इस बार ये पूरा घमासान तीन युवाओं हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर पर आकर टिक गई है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस इन तीनों को साथ लेकर 22 साल के सियासी सूबे को खत्म करने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन इसके साथ ही सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या गुजरात चुनाव में अपने पारंपरिक मुस्लिम वोटरों को भूल गई है कांग्रेस, क्या मुस्लिम वोटरों से कांग्रेस का मोह भंग हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस इन तीनों युवा नेताओं को लेकर इतनी गंभीर हो गई है कि अपने परंपरागत वोटरों को भी भूलती दिखाई दे रही है। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की करीब 10% आबादी है, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही राहुल गांधी अपनी किसी भी चुनावी रैली या सभा में इनका जिक्र करते नजर आए हैं। मुस्लिम वोटरों को लेकर कांग्रेस के रुख से ऐसा लगने लगा है कि मानो मुस्लिम वोटर कांग्रेस के एजेंडे से गायब ही हो गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से इस बार अब तक किसी भी इस्लामिक संगठन के साथ कोई बैठक नहीं की गई है। वहीं अगर जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो इसकी काफी हद तक तस्दीक भी होती है। राहुल गांधी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर से की। यहां उन्होंने न सिर्फ माथा टेका बल्कि तिलक लगाकर भाषण देते भी नजर आए। राजनीतिक जानकारों की माने तो गुजरात में मुसलमान वोटरों की तादाद उतनी नहीं है जितनी तीन युवाओं के समुदायों की है। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर सोनिया गांधी के मौत का सौदागर वाला बयान आज भी लोगों के जहन में है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और मुस्लिम वोटर उनके एजेंडे से ओझल नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।